स्वागत है आप सबका ऐतिहासिक नगरी पाटन में। आज विजिट करेंगे ऐसे ऐतिहासिक स्थल की जो गुजरात में स्थित है और जिसे 22 जून 2014 को यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल में सम्मिलित किया गया है। अहमदाबाद गुजरात से बाय रोड तकरीबन 3 घंटे का सफर तय करके आप पहुंच सकते हैं पाटन। जिस शहर को आप आज पाटन के नाम से जानते हैं उसका पौराणिक नाम है अनिहिलपुर, जिसकी स्थापना ईस्वी सन 745 में वनराज चावड़ा के द्वारा की गई थी। इसी नगर को वनराज चावड़ा ने अपने मित्र अनिल भरवाड़ की याद में बनाया था और ये तकरीबन 650 साल गुजरात की राजधानी बना रहा। इसी पाटन शहर में है रानी की वाव, जिसे आप रानी की वाव के नाम से भी जानते हैं। ये है यहाँ का पार्किंग एरिया, उसके ठीक सामने ही है एंट्री पॉइंट। रानी की वाव में अंदर प्रवेश करने के लिए भारतीय नागरिक के लिए है एंट्री फी 40 रुपये और फॉरेनर्स के लिए है 600 रुपये। मैंने मेरी टिकट को कलेक्ट कर लिया है। जैसे ही रानी की वाव में आप अंदर प्रवेश करेंगे तो सबसे पहले नजर आएगा आपको ये विशाल गार्डन जो फैला हुआ है तकरीबन 27 एकड़ में। थोड़ा ही आगे दाहिनी ओर आपको नजर आएंगे गुजराती, हिंदी, इंग्लिश में लिखे हुए ये 3 टेम्पलेट जिसमें बताया गया है रानी की वाव का इतिहास। यह गार्डन काफी बड़ा है और खुला भी है, इस कारणवश यहाँ पर धूप भी काफी रहती है। इसीलिए मैं आपको प्रीफर करूंगा कि आप जब भी यहाँ पर आए तो शाम के टाइम पर आए, और अगर आप शाम के टाइम पर आते हैं तो आप यहां घंटों तक बैठकर सुन सकते हैं पक्षियों की ये मधुर किलकिलाहट। आज के वीडियो में आप देखने वाले हैं गुजरात पाटन में स्थित रानी की वाव। दोस्तों, अगर आपने शौकीन को गौर से देखा होगा तो उसमें जो जल चित्र दिखाई देता है वही है रानी की वाव, जिसे जुलाई 2018 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा 100 के नोट पर चित्रित किया गया है। और अगर आपने 20 की नोट को गौर से देखा होगा तो आपको जो चल चित्र दिखाई देता है वह है एलोरा केव्स का। एलोरा केव्स के बारे में भी अगर आप जानना चाहते हैं तो उसके लिए भी मैंने एक प्रॉपरली वीडियो बनाई हुई है, जिसकी लिंक ऊपर आई बटन में आपको नजर आ रही होगी। आप चाहे तो वहाँ जाकर भी उसे वॉच कर सकते हैं। रानी की वाव, जिसे विश्व धरोहर स्थल के रूप में संरक्षित किया गया है, जो भारतीय स्थापत्य कला का एक उत्सुक उदाहरण है और इसका ऐतिहासिक महत्व है। वाव में खुदाई के दौरान बहुत सारे खंडर और संग्रहालय मिले हैं जो इसके महत्वपूर्ण ऐतिहासिक महत्व को दर्शाते हैं। ये कलाकृतियाँ जो सदियों पहले बनाई गई थी आज भी आपको उसी अवस्था में नजर आएंगी। इन सब खूबसूरत कलाकृतियों को देखकर कभी कभी मैं सोच में पड़ जाता हूँ कि आखिर कितना समय लगा होगा उस टाइम पर इन सब मूर्तियों को बनाने में शिल्पकारों को। रानी की वाव एक प्रसिद्ध अंश क्षत्रिय निर्मित वाव है, जिसे 11वीं सदी में बनाया गया था, जो तकरीबन 7 मंजिल ऊंची है और जिसकी लंबाई है 64 मीटर, चौड़ाई है 20 मीटर और जिसकी गहराई है 27 मीटर। अपनी ऐतिहासिक चीज़ों की वजह से ये गुजरात का एक प्रमुख स्थल माना जाता है और यह एक प्रकार का उदाहरण है भारतीय स्थापत्य कला का, जिसमें स्तंभ, खंभे और झरोखे समाहित है। ऐतिहासिक ये रानी की वाव, जो वावड़ी के नाम से भी जानी जाती है, यहाँ की नक्काशी और कलाकृतियों की खूबसूरती यहाँ पर आने वाले पर्यटकों का न सिर्फ मन मोह लेती है बल्कि इतिहास से भी उनका परिचय करा देती है। ज़्यादातर भारत में ऐसी कई इमारतें हैं जिसे राजाओं ने अपनी पत्नी की याद में बनाया है, पर यहाँ पर यह काम उल्टा है। सरस्वती नदी के किनारे पर स्थित रानी की ये वाव, जिसे वर्ष 1063 में सोलंकी शासक के राजा भीमदेव प्रथम की पत्नी रानी उदयमती ने उनकी याद में बनाया था। रानी उदयमती जूनागढ़ के चूड़ासमा शासक राखेंगार की पुत्री थी, जो सोलंकी राजवंश के स्थापक मूलराज थे। यहाँ की नक्काशी और शिल्पों में आपको नजर आएंगे प्राचीन और धार्मिक चित्र। ऐसा माना जाता है कि लगभग 5 दशक पहले वावड़ी में औषधि और संग्रहित पानी का उपयोग वायरल बुखार और अन्य बीमारियों को ठीक करने के लिए किया जाता था। यहाँ पर वावड़ी की अंदरूनी दीवालों पर और स्तंभों पर आपको नजर आएंगे तकरीबन 800 से भी ज्यादा मूर्तियाँ, जिसमें भगवान श्री विष्णु, ऋषियों और अप्सराओं की है। यहाँ पर 2001 में गणेश जी की मूर्ति की चोरी भी हुई थी, जिसे बाद में 2014 में अमेरिका से वापिस लाया गया था। वावड़ी को धार्मिक और साथ ही कार्यात्मक संरचना के रूप में बनाया गया था और पानी की पवित्रता को उजागर करने वाले उल्टे मंदिर के रूप में डिजाइन किया गया है। सुना है इस वाव में एक रहस्यमय सुरंग भी है जो 30 किलोमीटर दूर सिद्धपुर में निकलती है।
ये तकरीबन 7 शताब्दी तक सरस्वती नदी के लापता होने के कारणवश नीचे जमीन में दबी हुई थी। इसे भारतीय पुरातत्व सर्वे ने न सिर्फ खोजा है बल्कि इसके दस्तावेजों को साइन आर्क के संयोग से डिजिटलाइज्ड भी कर दिया है। यह भारतीय स्थापत्य कला का एक उत्सुक उदाहरण है और अपनी अद्वितीय और भव्य आर्किटेक्चर के लिए प्रसिद्ध है। इसे गुजरात की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। रानी की वाव का निर्माण, वावड़ियों के निर्माण और मारू गुर्जर स्थापत्य शैली में शिल्पकारों की क्षमता के चरम पर किया गया था, जो इसे जटिल तकनीकी महारत और विवरण और अनुपात की महान सुंदरता को दर्शा। અપ્સરા બતાવી જોઈએ કેટલી સરસ છે આ વરાહ ભગવાન છે ફેસ બહુ બીગડો છે ભૂમિ માતા હાથ પર બેઠેલા છે આ પાતાળ લોક છે કાચબો છે નાગ કન્યા નાગ દેવતા બંને વરાહ ભગવાનને પ્રે કરે છે તો પાતાળ લોકનું દ્રશ્ય છે આ વિષ કન્યા છે બેન વિષ કન્યા કેવું હોય પહેલા પગની પાછળ જો મોર દેખાય છે આ કલ્પી ભગવાન છે ઘોડાના પગની નીચે દુષ્ટોને પાપીઓને મારે છે પગમાં હોલ બુટ ગમ બુટ પહેર્યા છે એ જમાનામાં હોલ બુટ હતા હાથમાં તલવાર છે મહિષાસુર મર્દિની દુર્ગા માતા સિંહ પાડાને મારે છે માતાજી એ રાક્ષસ ને કિશોર મારે એની ચોટી પગે છે દુર્ગા માતા પેલી અપ્સરા હરીસામાં જો એરિક કરે છે પેલી અપ્સરા એરિક બતાવે છે પેલા ભગીરથી મુનિ તપસ્યા કરે છે ગંગા મૈયાને બોલાવવા માટે વચ્ચે વિષુભાન છે ગદાસન ચક્ર પદ્મ છે પેલી અપ્સરા વાંસળી બગાડે છે તમારું મૂડ આવે ને સારું સંગીત સાંભળો તો તમારો મૂડ ચેન્જ થાય કારણ કે સંગીતમાં એટલો પાવર છે દમ છે અને વાંસળી બગાડવાનું જે તલ્લીન છે ત્યાંનું અંગૂઠો કે પગ ઊંચા થઈ ગયા તન્મય થઈ ગયા એકાગ્ર થઈ ગયા છે આ લક્ષ્મીજી છે આ નજર બચકી સમજાય ને કીર્તિ ચાલો મારી સાથે उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और नए हो हमारी चैनल पे तो प्लीज हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें।